अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, संडे का दिन था और फंडे का दिन था, मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाएं, क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत गर्मी हो गई है। तो ये एक न्यू डिस्कवर की थी मेरे बेटे ने, जगह पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पार्क, जो कि बिल्कुल मेरे घर के पास ही बना हुआ है और मुझे पता ही नहीं था। तो बस चले फिर मैं क्या करती, संडे के दिन गई, बच्चों के साथ फैमिली डे इन्जॉय किया और वहाँ पर व्लॉग भी बनाया। उम्मीद है आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा और फैमिली के साथ आप भी इन्जॉय करेंगे। कितना खूबसूरत पार्क है माशाल्लाह से। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने सुना था कि ये पार्क खुला हुआ है और इसकी लोकेशन जो है वो कश्मीर रोड है, तारिक रोड साइड से भी आता है और कश्मीर रोड से भी आता है। ये लोकेशन आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, बाहर कश्मीर रोड का रोड जा रहा है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत पार्क है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने में, मेरे ख्याल में एक साल हुआ है। और बच्चों ने गूगल लोकेशन से देखा था तो मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और बच्चे जो हैं अपनी गूगल से लोकेशन वगैरह भी सर्च कर लेते हैं कौन सा पार्क है कहाँ पर है। पहले तो हमें अंदाज़ा नहीं था, हम समझे कि ये पता नहीं कौन से बच्चे पार्क की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब देखा तो पता चला ही, तो बिल्कुल हमारे घर के साथ है, साथ वाले एरिया में है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से एरिया। बहुत ही प्यारा ग्रीनरी यहाँ पर आप चेक करें माशाल्लाह। तो जी बहुत प्यारा पार्क है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं साथ साथ। चलें अब जाकर मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी सीट्स बनी हुई हैं, चेयर बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी खासी चेयर्स लगी हुई हैं कि फैमिलीज आराम से बैठ सकती हैं। गार्डन की पार्क की हालत बहुत बेहतरीन है, टूटा फूटा हुआ भी नहीं है माशाल्लाह से, अच्छा बना हुआ है। फैमिलीज बेतहाशा फैमिलीज अंदर आ रही हैं शाम के इस वक्त, जैसे आप देख रहे हैं धूप भी है माशाल्लाह। इस वक्त अभी शाम के तकरीबन बज रहे हैं मेरे ख्याल में, कितने बज रहे हैं, 6:45 हो रहे होंगे ना, तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और अच्छी खासी फैमिलीज आ चुकी हैं। अब मैं झूले की साइड जा रही हूँ, मेरा जो छोटा बेटा है रयान, आपको पता है वीडियो में देखा होगा आपने, उसको झूलों का बहुत ही शौक है, तो वो गया है झूलों की तरफ, तो मैं उसको चेक करती हूँ किस तरफ गया है। मैंने कहा भाई आज संडे के दिन पार्क आएंगे तो व्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास। फैमिली व्लॉग्स भी हो जाती हैं कभी कभी, बाजारों की व्लॉग्स भी हो जाती है, हम जानते हैं। पानी इस तरफ प्लीज, इस तरफ चलो, देखते हैं अब बेटा मेरा कहाँ मिलेगा मुझे। काफ़ी बड़ा ये भी एरिया लग रहा है, झूलों का भी, राइड्स का भी। पाकिस्तान में तो फैमिली पार्क होते हैं यूजुअली बहुत बुरी हालत में होते हैं, ख़ासतौर पर कराची में, और उनकी हालत जो है दिन ब दिन खस्ता होती जाती है। ये लेडी जो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, काफ़ी एक्सरसाइज टाइप के झूले हैं यहाँ पर। और रेहान कहाँ मिलेगा, हमें चेक करते हैं। ये रेहान सामने नज़र आ रहे हैं, ये पार्क मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। करो साइकिलिंग यहाँ पे हो रही है, वहाँ भी पीछे लेडीज साइकिलिंग कर रही थी, आपको दिखाया था मैंने। ये भी एक्सरसाइज का है मशीन, देखें ये जो जिम में होते हैं ना इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स सारे इस टाइप के यहाँ पे झूले रखे हुए हैं कि बच्चों की और लेडीज़ की एक्सरसाइज हो सके ईजिली यहाँ पे, ईजिली भी कम्फर्टेबली लेडीज़ आके भी कर सकें, हर तरह की एक्सरसाइज हो रही है। तो जिम वगैरह भी हम देखते हैं ना इस तरह की, यहाँ पर भी हैं, ये भी है कोई इस तरह का ही झूला है ये भी, और ये इस तरफ से भी लोग आ रहे हैं। ये भी पेट्रोल पंप बना हुआ है इस तरफ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा ये पार्क। रश भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी है यहाँ पर फैमिलीज का। आगे पीछे रेयान वन बाय वन, हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब दुमन करो बेटा, एक्सरसाइज हो रही है बच्चों के भाई यहाँ पे, रश की वजह से सब लोग खड़े में भाई इंतजार में। देखते देखते भीड़ बढ़ चुकी है, इतनी भीड़ हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा बच्चे यहाँ पे इंजॉय करेंगे या क्या करेंगे। और ये इक्विपमेंट्स हैं जिमिंग के, लेकिन ये पब्लिक जो है वो उसके झूले समझ के इंजॉय कर रही है, अवेयरनेस नहीं है आवाम, हमारी आवाम के अंदर जिनको पता है ये इक्विपमेंट है जींस के, तो वो जिम के तो वो कर रहे हैं इंजॉय, जिमिंग कर रहे हैं प्रॉपर। और जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह से हमारे यहाँ के आवाम, और इस तरह झूलों की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं जैसे झूले हैं ये।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में कमेंट करके बताइए ऐसे पार्क्स आपके एरिया में हैं कि नहीं है। ये जो है यहाँ पे पार्क का भी आप व्यू देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे पार्क में बहुत अच्छी खासी रौनक है, लेकिन आवाम का जो जोर है ना यहाँ पे इस तरफ है, इस जगह पर है। हर तरफ बलून ही बलून नजर आ रहे हैं, सारे बच्चों ने बलून खरीद लिए भाई। बहुत अच्छा पार्क था, बड़ा ही मजा आया मुझे। माशाल्लाह से पार्क के बाद हम आ गए यहाँ पर अपने पुरानी जगह रजवानी हाउस। आप तो मेरी व्लॉग में देख चुके होंगे और यहाँ पे माशाल्लाह बरकत ही बरकत हो चुकी है। दुम्बे बकरों में देख रहे हैं आप, गायों में बरकत हो गई माशाल्लाह, गायें भी बढ़ गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, और जो है बकरे और दुम्बों में माशाल्लाह बरकत हो गई है। आवाम का रश भी आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से, रजवानी हाउस में रश देखें आप। इसी को कितना प्यारा है ना ये, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, छोटा सा है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। कर दे नीचे कर लिए इसने भाई, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। शो ऑफ कर रहा है, अच्छा चुन्ना सा है, शो ऑफ कर रहा है, चुन्ना सा शो ऑफ करेगा। बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह आ गए यहाँ पे। दुम्बों की बहुत ज़्यादा रेंज आ गई है, ह्यूज ह्यूज वैरायटी ऑफ दुम्बास। कितना क्यूट है ये देखें माशाल्लाह से। चार सिंगों वाले भी हैं यहाँ पे, चार सिंगों वाला है ये। ये भी चार सिंगों वाला है, उसकी सिंग देखें ऊँची ऊँची बड़ी बड़ी। वहाँ पे भी एक है वो भी चार सिंगों वाला है, बीच में उस तरफ भी। काफ़ी ह्यूज रेंज है भाई इनके पास, तो वैरायटी बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट डिफरेंट आ गई है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से बैठे हुए, बहुत प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह से, ये छोटे छोटे से। बकरे हैं माशाल्लाह, चार चार सिंगों वाले बकरे बहुत हैं यहाँ पर। दुम्बे हैं चार सिंगों वाले, नॉट बकरा, बहुत चार सिंगों वाले हैं। और ये भी चार सिंग हैं, यहाँ पे आदमी खड़े हैं, ये माशाल्लाह चार सिंगे हैं, देख रहे हैं आप, चार सिंगों वाला दुम्बा माशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।